हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ मी शाइनी. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेज़न हॉल कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स में शेयर करने जा रही हूँ विच आर फ्रॉम द ब्रांड मेबेलिन. और सामने ही दिवाली है. जो लोग पूरा सीजन मेकअप भी नहीं करते ना, वो फेस्टिव सीजन में तो ज़रूर मेकअप करते हैं. सो वेल नोन ब्रांड से अफोर्डेबल मेकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि अमेज़न पे काफ़ी अच्छा सेल चल रहा है अभी. सो मेक श्योर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे प्रोडक्ट्स के इंडिविजुअल लिंक्स भी प्रोवाइड किया है और एक माई हॉल स्टोर का लिंक भी प्रोवाइड किया है जहां से आप इन सारे प्रोडक्ट्स को परचेज भी कर सकते हैं या फिर चेकआउट भी कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सबसे पहला जो है वो ऑब्वियसली मेबेलिन फिट मी कलेक्शन का ये फाउंडेशन है. इस फाउंडेशन को मैं कई सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ एंड मेरा जो शेड है वो है 128 वर्म न्यूड. और ये जो फाउंडेशन है मेरे पास, ये आप लोग देख सकते हैं, ये फुल साइज वाला है. और इसका एक छोटा फॉर्म भी आता है, ट्यूब फॉर्म में है वो भी आता है. लेकिन इसका रिसेंटली मेबेलिन ने पाउच फॉर्म में भी निकाला है जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. सिर्फ 100 रुपीज़ के अंदर है, 99 रुपीज़ का है आई थिंक. अमेजन पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया, आप चेक कर सकते हैं अभी कौन से प्राइस में है क्योंकि डिस्काउंट तो अमेजन पे मिलते ही रहते हैं. सो ये जो पाउच फाउंडेशंस है ना, इन पाउच फाउंडेशंस में मेरे पास कुछ शेड है. जैसे मेरे पास है ये 220 नेचुरल बेज, देन 230 नेचुरल बफ, डस्की स्किन टोन के लिए 330 टॉफी एंड लास्टली 310 सन बेज. ये दो शेड्स जो है ये डस्की स्किन टोन के लिए और ये दो जो शेड्स है ये मेरी स्किन टोन के लिए. और मैं थोड़ा सा मैं शेड रेंज एक्सप्लोर करना चाहती थी लेकिन फुल साइज इतने में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं छोटे छोटे पाउचेस में इन्वेस्ट करूँ तो फिर मुझे लगेगा कौन सा मेरे शेड से एकदम बिल्कुल मैच है. क्योंकि अभी घर पर रहते रहते ना बहुत ज़्यादा स्किन टोन लाइटन हो चुकी है. तो ये जो वॉर्म न्यूड है 128, ये भी मेरी स्किन पर थोड़ा सा डार्क हो रहा है. सो मुझे लगा कि मैं अगर बेज या फिर कुछ हल्का लाइट टोन में ट्राई करूं तो कैसे रहेगा. तो इसीलिए मैंने ये फाउंडेशन पाउच फाउंडेशन ट्राई किया है. एंड सो अगर आप साल में एक दो बार ही सिर्फ मेकअप करते हैं ओकेशनली तो इन पाउचेस में इन्वेस्ट करना वुड बी अ स्मार्ट डिसीजन. इनमें जो क्वांटिटी है ना वो 5 ml की क्वांटिटी है. सो 5 ml मेकअप मतलब बहुत ही ज़्यादा. फाउंडेशन तो उतना ज़्यादा हम इस्तेमाल भी नहीं करते, ज़्यादा तो कंसीलर ही इस्तेमाल करते हैं. सो आप डेफिनेटली इन्हें ट्राई कर सकते हैं. मेबेलिन के ना इस तरीके के पाउच फॉर्म में लिप शेड्स लिपस्टिक भी उन्होंने लॉन्च किया है. सो ये कुछ लिप शेड्स हैं मेरे पास जो आप डेफिनेटली इन्हें परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अमेज़न एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस. मेरे पास ना कुछ न्यूड शेड्स हैं और कुछ पार्टी फेस्टिव काइंड ऑफ डार्क शेड्स भी है. जैसे ये वाला है 02 स्ट्रिप इट ऑफ, ये एकदम न्यूड शेड है, पीची सॉर्ट ऑफ शेड जो कि बहुत खूबसूरत लगता है फेयर टू मीडियम स्किन टोन में. और ये जो शेड है ये है 06 बेस्ट बेब. ये शेड मुझे सिमिलर लगता है एक शेड से जो कि टच ऑफ स्पाइस है, जो मेबेलिन सेंसेशनल मैट लिप कलर में आता है टच ऑफ स्पाइस. तो उससे मुझे ये शेड सिमिलर लगता है, बिल्कुल वैसा ही है. और इन लिपस्टिक्स का जो फॉर्म्यूलेशन है बहुत अच्छा है, एकदम स्मज प्रूफ किस प्रूफ लिपस्टिक्स है. ये ना इस टाइप से आता है, आप इसे इस तरह से ओपन करते हैं एंड इसका जो एप्लीकेटर है वो भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ये स्मूथ है एंड बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल इसका टेक्स्चर है एंड बार बार अप्लाई भी नहीं करना पड़ता. तो नेक्स्ट मेरे पास 01 बेयर इट ऑल है जो कि अगेन एक न्यूड सॉर्ट ऑफ शेड है, बट ये ब्राउन टोन में नहीं है, ये पीच टोन में है एंड एकदम परफेक्ट दिवाली के लिए. 02 वाइन है मेरे पास जो कि एकदम ब्राउन मरून कलर है जो इंडियन वेयर के साथ या फिर डार्क ब्लैक कलर्ड किसी भी गाउन के साथ काफ़ी अच्छा रहेगा. सो ये चार लिप शेड्स मेरे पास है. इनमें आपको क्वांटिटी मिलेगी 2 ml की क्वांटिटी, बट दीज आर ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल. इसका जो प्रिंटेड प्राइस है वो है 99 रुपीज. अमेजन आप चेक करेंगे तो आपको कॉम्बो ऑफर्स या फिर डिस्काउंटेड प्राइस में डेफिनेटली मिल जाएगी. मेबेलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक का जो फॉर्मुलेशन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बट वो बुलेट लिपस्टिक्स है, स्मज प्रूफ किस प्रूफ तो नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड लाइट वेट है लिप्स पर. तो पर्सनली मुझे ये अच्छे लगते हैं एंड मेरे पास है ये 696 बर्गंडी ब्लश. और ये जो शेड है ये अगेन एक मरून फेस्टिव काइंड ऑफ शेड है जो आप डेफिनेटली किसी भी डार्क कलर्ड आउटफिट के साथ या फिर किसी भी फेस्टिव वेयर के साथ पेयर अप कर सकते हैं. नेक्स्ट है ये 660 टच ऑफ स्पाइस,
ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये आप डे टू डे बेसिस पर इन इस लिपस्टिक को ट्राई कर सकते हैं। एंड जो लास्ट है वो है 631 मिस्टीरियस मौका, ये ना बहुत ही ज्यादा न्यूड शेड है, तो अगर आपकी डस्की स्किन टोन है या मीडियम डार्क स्किन टोन है तो आपको ये वॉश ऑफ कर देगा। ये किसी भी डार्क कलर्ड लिपस्टिक को कूल डाउन करने में, टोन डाउन करने में काफी अच्छे से काम करता है। मैं तो इसे उसी तरह इस्तेमाल करती हूँ, हालांकि मैंने कई सारे मेरे वीडियोस में सिर्फ इसी को वेयर किया है एंड आप लोगों ने नीचे कमेंट में भी लिखा है कि कौन सा लिप शेड मैंने आज वेयर किया है। सो आई थिंक ये कैमरा में भी काफी खूबसूरत दिखता है, तो आप इन शेड्स को ट्राई कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं लिप स्वॉचेस नहीं शेयर करूंगी या फिर मैं इन लिपस्टिक्स के स्वॉचेस नहीं शेयर करूंगी। अगर आपको ये जस्ट एक हॉल वीडियो है, अगर आपको स्वॉचेस चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं एक अलग से लिपस्टिक वाले वीडियो में इनके स्वॉचेस शेयर करूंगी। नेक्स्ट मैं इस कॉम्पैक्ट पाउडर को शेयर करूंगी, ये है मेबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर। मेरा शेड है 220 नेचुरल बेज, बट ये शेड मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है। मुझे जो आइवरी है वो लेना था, वो मेरे पास ऑलरेडी एक है, बट रीस्टॉक करने के लिए मैंने इसे लिया था एंड अभी तो मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो वाला जो है आइवरी वाला वो मेरे पर्स में रहता है, जब भी मैं बाहर जाती हूँ उससे मैं थोड़ा सा डैप कर लेती हूँ, क्योंकि इसका जो एप्लीकेटर है ना, ये जो स्पंज एप्लीकेटर है, दिस इज वेरी वेरी हैंडी। लूज पाउडर बहुत ज़्यादा ड्राइंग है Maybelline Fit Me का लूज पाउडर, सो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दैट, बट इसका मैं काफी ज्यादा इसे मैं इस्तेमाल करती हूँ एंड आई पर्सनली लव यूजिंग दिस। नेक्स्ट है ऑब्वियसली Maybelline Fit Me का ये कंसीलर्स, जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है। मेरे पास है दो शेड, एक है 25 मीडियम जो कि मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा डार्कर है एंड ये एकदम परफेक्ट शेड है, ये हाइलाइटिंग की तरह नहीं है। एंड दूसरा जो हाइलाइटिंग के लिए मैंने लिया है वो है शेड नंबर 20 सैंड, जो हाइलाइटिंग है मेरे शेड से। सो दीज टू शेड रेंज मेरे पास है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज का वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल एक हॉल वीडियो था। अगर आप डिटेल में इन सारे प्रोडक्ट्स की स्वॉचेस एंड यूजेस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं डिटेल में एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, वहां से परचेस करेंगे तो थोड़ा सा हेल्प मेरी भी हो जाएगी। डिस्काउंट तो आपको सिमिलर ही मिलेंगे, बट उससे क्या है कि लिंक से परचेस करने पर थोड़ा सा मुझे हेल्प हो जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।